नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है, जानेंगे इसके बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसकी आकृति के बारे में जानेंगे और कई विभिन्न तत्वों के बारे में जानेंगे। कई सारे लेक्चरों में हमने अभी पीछे आपको सेंट्रल के बारे में पढ़ाया, यानी केंद्र के बारे में पढ़ाया, तो मैंने कहा है कि एक सीधी सी भाषा में कहा था कि जिन बच्चों ने केंद्र को समझ लिया उसको राज्य को समझने के लिए कभी भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसी आधार पर राज्य सरकार चलती है जिस आधार पर केंद्र सरकार चलती है। एक दो एक्सेप्शन होते हैं, उन्हीं को हमें नोट डाउन करना होता है। तो आई होप कि जो भी बच्चे हैं जो कंटिन्यूटी जुड़े हुए हैं, आई नो कि लेक्चर जो हो रहा है थोड़ा लेट हो रहा है, बट टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय लगेगा, बट हाँ जो भी होगा अच्छा होगा। और वेट, कुछ समय बाद कंटिन्यूटी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, जो डिस्टर्बेंस हो रहा था उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि सांसारिक जीवन में सबके सामने थोड़ी समस्याएं आती हैं, वो नित प्रतिदिन आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो उनसे थोड़ा सा निकल कर कुछ आगे करना है ना। तो हम आप मिलके इस चैनल को और इस चैनल के माध्यम से अनेक सारे बच्चों को सिलेक्शन देने की उम्मीद करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार और सपोर्ट जरूर बना के रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी उच्च न्यायालय। देखो, बात करें तो हम पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बता दें, 214 से लेकर 231 तक, ठीक, 214 से लेकर 231 तक में क्या बताया, क्या है उच्च न्यायालय की बात कही है, ठीक है, जानेंगे। अब बात क्या है उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय जो एक वर्ड है, ये उच्च न्यायालय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट, बेसिकली देखो हमें तो पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब, कहने का मतलब है संघीय व्यवस्था है। तो मैंने बताया था संघीय व्यवस्था में क्या होता है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है, आप समझ में आया। तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट होता है जो सेंट्रल का होता है, हाई कोर्ट जो होता है एक राज्य का होता है, और क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो जिला में होता है, या प्राय जिसको हम हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कहते हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ये रिकॉल वाली है, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है आज का हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट क्या है, इतिहास के में चलते हैं और देखते हैं। देखो हाईकोर्ट जो है, प्राय जब 1862 के समय था, यानी जब भारत में ब्रिटिश शासन राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, उस दौरान ही भारत में तीन प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीन प्रेसिडेंसियों में अपना अपना उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया। ध्यान देना, यहाँ पे इसको उच्चतम न्यायालय नहीं कहा गया, उच्च न्यायालय की बात की गई, यानी जो हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात है उसको हम अलग रखेंगे और उच्च न्यायालय की बात को अलग रखेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, 1862 में तीन प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया, यानी बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राय 1866 में फिर क्या हुआ, चौथा उच्च न्यायालय घोषित किया गया, जो अपना उत्तर प्रदेश का था, इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। तो इस तरीके से आगामी कई सारे वर्षों में, यानी आजादी के पहले संपूर्ण जो ब्रिटिश प्रांत था या ब्रिटिश भारत था, जहां पे ब्रिटिश शासन राज्य कर रहे थे, वहां पे क्या हुआ, हर एक अपने अपने राज्य में एक उच्च न्यायालय उनका हो गया। यानी कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे उच्च न्यायालय की थ्योरी आ रही है, या ऑलरेडी क्या है, हमारे ब्रिटिशर्स ने जो हमें थे, हमारे यहाँ जो शासन कर रहे थे, उन्होंने दे दी थी, उसी के आधार पे क्या हुआ, आजादी की बात है, हमारे यहाँ पे क्या हो, कंटिन्यूटी चलने लगी। अब बात करते हैं कि उच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो सीधी सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है केंद्र का, यानी कई सारे मैटर होते हैं जो अंतिम न्यायालय है, या कह सकते हैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट, लास्ट कोर्ट होता है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट को, वो अंतिम होता है, हम प्राय यही मानते हैं, ठीक है, सही, जाहिर सी बात अंतिम ही है, क्योंकि उसके बाद जो अपील है वो सिर्फ राष्ट्रपति से की जा सकती है, वो भी क्षमादान की शक्ति के द्वारा, आर्टिकल 72, वो तो मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यानी हमारे यहाँ पे जो अंतिम न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब बात करते हैं कि हर कोर्ट तो, हर केस एक छोटा से स्तर का केस भी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है, जाने को तो जा सकता, लेकिन क्या डायरेक्टली मान लो किसी से हमारी तुम्हारी लड़ाई हो तो हम सारे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, सुनने, उसके लिए कहा गया कि स्थानीय कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं स्थानीय न्यायालय के द्वारा, या
राज्य न्यायालय के द्वारा, या उच्च न्यायालय जिसको हम राज्य न्यायालय कहते हैं उसको यानी उच्च न्यायालय कह सकते हैं, ठीक है, या उच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं प्राय जब जनता अगर संतुष्ट हो रही है, ठीक है। तो कहा गया प्रत्येक राज्य का एक अपना न्यायालय होना चाहिए जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, यानी कि एक ऐसा न्यायालय जैसे कि एक राज्य मान लो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है, प्रत्येक जिला का एक अपना अधीनस्थ न्यायालय होता, सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद इनको जो गाइडेंस करने के लिए होता है एक हाईकोर्ट होता है, यानी प्रत्येक राज्य का अपना एक हाईकोर्ट बना दिया गया जिसके तहत क्या हुआ कि उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। तो प्रायः क्या है अगर हम आम भाषा में कहें तो हाईकोर्ट जो होता है किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट जो होता है वो किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। अच्छा इसका कार्य क्या है कि ये जो जजमेंट है देना ही देना, न्याय तो देना ही देना, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट जिनको हम कहते हैं उनको भी क्या करना है, उनको अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार में शामिल करना है, उन पर निगरानी करना, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के संगठन की बात करते हैं। तो मैंने बता ही दिया उच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, संगठन कैसे क्या होता है, तो समझ में आ गया, पहली हेडिंग तुम्हारी बेसिकली क्लियर हो गई। यानी उच्च न्यायालय के संगठन की बात करते हैं तो होगा, और इसमें बताया गया हमारे संविधान में बताया गया कि प्रत्येक राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है होगा। हाँ अगर क्या हुआ एक 7वां अमेंडमेंट हुआ, देख लो यहाँ पे 7th अमेंडमेंट हुआ जो 1956 में हुआ, इसमें दो प्रमुख बातें कही गई। पहली बात तो यह थी कि एक राज्य या एक से अधिक राज्य, यानी दो या दो से अधिक राज्य, ध्यान सुनना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है हमें न्यायिक व्यवस्था से बताया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अब लाइक एग्जांपल ले लेते हैं तो चंडीगढ़ चलते हैं, चंडीगढ़ में देखें अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ हम चले और देखें तो ये चंडीगढ़ का एक अपना हाईकोर्ट है और सबको पता है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो उसका तो होना ही था। फिर मैंने कहा पंजाब का भी हाईकोर्ट चंडीगढ़ है, ठीक है, फिर मैंने कहा हरियाणा का भी हाईकोर्ट चंडीगढ़ है, तो यानी कि तीन राज्यों का जो हाईकोर्ट है पर्टिकुलर एक क्षेत्र है या एक है चंडीगढ़, तो यानी कि जो 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ इस अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो अब समझ में है बेसिकली कहा तो गया है कि हमारे जो संविधान है संविधान में कहा गया प्रत्येक राज्य का एक अपना हाईकोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, बट यहाँ पर यह भी कह दिया गया एक अमेंडमेंट हुआ जो 7th अमेंडमेंट था 1956 में, और मैं फिर से कहूंगा जिन बच्चों ने अमेंडमेंट की सीरीज मेरी नहीं देखी है जाके देख लो, उसमें 50 अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है ओवरऑल जो 1 से लेकर 105 तक में जो ओवरऑल 50 ऐसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है या पूछे जाने की संभावना है, तो उनको मैंने कवर किया। तो उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ तो उसमें देखो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बाय अखिलेश सर, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे वो, उनको आप प्राय नोट डाउन कर लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए या देख लीजिए, बहुत अच्छी सीरीज है, तो आप सभी के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो प्राय इतनी बात बताएगी, तो अब ये लॉजिक क्लियर हुआ आपका कि किस आधार पर हुआ, ठीक है। आई होप कि पहली हेडिंग आपको उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में गठन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग जो क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब बात करते हैं कि चलो ठीक है अब प्रत्येक राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होगा, तो अब उसमें जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेगा कौन, तो देखो प्रायः सीधी सी बात है मैंने कह दिया कि प्रत्येक जो हाईकोर्ट होता है उसका एक अपना क्या होता है चीफ जज होता है, क्या होता है यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, तो प्रायः क्या होता है जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति होती है, क्या होती है उसकी नियुक्ति होती है, तो कौन करता है जो चीफ जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है भैया, उसकी नियुक्ति करता है कौन करता है, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किसकी, तो सिफारिश से देते हैं इसमें हाईकोर्ट जो इसमें क्या होता है कि जो सीजीआई होता है, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन के द्वारा उसमें कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद क्या करता है राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं, यानी कि अगर हम आम भाषा में कहें कि किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कह सकते हैं सीजीआई के रिकमेंडेशन के बाद कौन करता है राष्ट्रपति साहब करते हैं, यानी हमने देखा कि प्रेज करता है यानी प्रेसिडेंट करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंस करता है, ठीक है प्रेसिडेंट करता है, इतनी बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं अगर योग्यताओं के बारे में बात कर लें, ठीक है, यानी हाईकोर्ट के जो जज होंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी, अच्छा ठीक है ये तो हो गई थी चीफ जज के बारे में, लेकिन जो
को कहते हैं और अन्य न्यायाधीश है, अदर जज, ठीक, OTHER, अदर जज, JUDGES, देखो स्पेलिंग सही हो या गलत भैया, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती तो आज इंग्लिश पढ़ाते, मजा आती है इंग्लिश पढ़ाने में से, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, हाँ ठीक है, देखिए अदर जज, ठीक, तो जो चीफ जज तो हमने बता दिया प्रेसिडेंट करते, बट हाँ यहाँ पर क्या, देखो मैंने कहा चीफ जज, तो प्रत्येक राज्य का एक चीफ जज होता है, यानी जो प्रत्येक राज्य का हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, जो उच्च न्यायालय होता है यानी हाईकोर्ट होता है, उसका एक चीफ जज होता है, यानी जो उस राज्य का उच्च न्यायालय उसका एक अपना चीफ जज होगा, यानी मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें अदर जज भी होते हैं, यानी कुछ और भी जज होते हैं, तो देखो सीधी सी भाषा में कहें तो जो अदर जज हैं यानी अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या के वर्णन कहीं नहीं किया गया, हाँ वो समय समय पे आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो यानी कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में किसी भी उच्च न्यायालय में अधिकतम अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, एग्जाम कहते 10, 15, 20, 25 जो भी देते, उसमें एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो वही टिक करना नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे संविधान में अन्य न्यायाधीशों की संख्या का वर्णन नहीं किया गया, कहां पे, हाई कोर्ट में। तो यानी कि जितनी हो सकता है प्रेसिडेंट साहब उनकी नियुक्ति करते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो अन्य न्यायाधीश बनते भी हैं उनको कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, सॉरी, ठीक है, अब अगली बात करते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में, बेसिकली उनकी योग्यता है क्या, तो देखो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऐसे समझो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या, वो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में या न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव हो, या वो किसी भी कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या कर रहा हो, 10 वर्षों तक क्या कर रहा हो, 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता के रूप में हो, एज ए वकील हो, अधिवक्ता, अधिवक्ता समझ रहे हो ना, एज ए अधिवक्ता हो, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन पे, यानी वो 10 वर्ष तक या तो न्यायिक प्रक्रिया में हो, या तो 10 वर्ष तक वो क्या हो भैया, या तो वो 10 वर्ष तक क्या हो, एज ए वकील हो, यानी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो उस आधार पर उसको क्या बनाया जाएगा, बना दिया जाएगा मुख्य न्यायाधीश कहाँ का, हाई कोर्ट का, ठीक। उसके बाद कार्यकाल क्या है, तो इनका 62 साल कार्यकाल होता है, 62 साल की उम्र के पहले ये अपना इनका कार्यकाल चलता रहता है, अच्छा ठीक है। अब इसमें ये भी नहीं बताया कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु के बारे में, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम जज की जो नियुक्ति होगी वो न्यूनतम आयु नहीं रखी गई कि भैया इतनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है, तो न्यूनतम आयु नहीं होनी चाहिए, हाँ ये बताया कि 65 62 के बाद वो हाई जज नहीं रहेंगे और रिटायरमेंट हो जाएंगे, ठीक, कार्यकाल समझ में आया, अच्छा। उसके बीच में भी वो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति साहब को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, इसको देंगे तो राष्ट्रपति साहब को। उसके बाद हटाने, अच्छा हटाने की प्रक्रिया, तो वो हटाने की प्रक्रिया है, यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट की, तो जब भी इम्पीचमेंट आए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, ऐसे तो किसी को हटा नहीं दे, संविधानिक पद पे कोई है उसको ऐसे तो हटा नहीं दिया जाएगा। तो होता क्या है प्रायः, इसमें होता है कि संसद के दोनों सदन, कहां से संसद की बात कर रहे हैं यार, राज्य विधानमंडल की नहीं बात कर रहे, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से, या उनमें से किसी भी सदन से क्या होना चाहिए, 100 प्रस्तावक होने चाहिए। जब 100 प्रस्तावक हों, प्रस्तावक हो और 100 उसी में क्या हो, प्रस्तावक हो, 100 अनुमोदन हो, ठीक है, अनुमोदन हो, तो उसमें क्या होगा, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, इस प्रस्ताव को अगर जिस सदन में प्रस्तुत किया जाए सदन का अध्यक्ष उसे स्वीकार कर ले तो क्या होगा, स्वीकार कर ले तो उस पर चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर वोटिंग होगी, क्या होगी, 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होगा दोनों सदनों से। जब ये दोनों सदनों से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी उसको हटाया जा सकता है। तो समझ में आना, बड़ा डिफिकल्ट होता है भैया, जो तुम लोगों को बोलना, हमें तो आता नहीं, हमने फिर से बताया, बोलने की कोशिश करते हैं, आता कुछ नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया। यानी दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, 2/3 विशेष बहुमत से यानी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए। उसके लिए 100 प्रस्तावक 100 अनुमोदन
प्रस्ताव रखते हैं, जो अगर स्वीकार कर लेता है माननीय अध्यक्ष उस सभा का, तो उसके बाद 2/3 से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। जब ये पास हो जाता है तो फिर उसको हटाया जा सकता है। स्थानांतरण की बात करें या ट्रांसफर की बात करें तो हाँ, जाहिर सी बात है, मान लो कोई हाई कोर्ट है, मान लो यूपी का हाई कोर्ट है, यूपी वाली अपनी बेंच है, यहाँ पे कोई व्यक्ति कोई जज है जो कार्य कर रहा है, तो उसका ट्रांसफर किसी अदर में, मान लो असम में कर दे रहा, ठीक है, तो ये स्थानांतरण की प्रक्रिया है अपनी, तो ठीक है, अपनी स्थानांतरण की प्रक्रिया है। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आई। रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो बात करते हैं उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में। मैंने बताया 1862 में हुआ, फिर उसके बाद 1866 में हुआ इलाहाबाद का, अपना उत्तर प्रदेश न्यायाधीशों की नियुक्ति मैंने बता दी कि जो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रायर रिकमेंडेशन कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। उसके बाद योग्यताएं जो थी मैंने बता दी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो यहाँ पे बताया गया है, इसकी न्यूनतम आयु के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है, बट हाँ मैक्सिमम जो कार्यकाल है या तो 5 वर्ष हो सकता है या तो 62 है। उसके बाद हटाने की प्रक्रिया है, मैंने बताया कि 100 प्रस्तावक 100 अनुमोदन होने चाहिए दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से टू थर्ड मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, वो उसको हटाया जा सकता है। स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल है कोई जज है जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उसको असम में ट्रांसफर कर सकते हैं। और कई सारी अन्य महत्वपूर्ण हेडिंग है जिनको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए आगे, कई सारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम क्या जानते हैं, कई सारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं पहली हेडिंग क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखो कार्यकारी वर्ड से लग रहा होगा अचानक सडनली कुछ चीजें हो गई, यानी सडनली कुछ चीजें हो गई, अचानक कई सारी चीजें हो गई हैं जिनके बारे में मैं जानना है। तो होता क्या है, जब मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी बेंच है, उसमें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, मैंने कहा इलाहाबाद बेंच क्यों, बेंच का मतलब क्या है, इलाहाबाद के दो बेंच है, एक इलाहाबाद एक लखनऊ बेंच है, सबको पता है, ठीक है, हम इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश बैठे साहब हाई कोर्ट के, ठीक है। अब कल से उनका दिमाग में आया कि कल से मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी, मुझे कल से ड्यूटी नहीं आना, बंद, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो उन्होंने अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति साहब को दे दिया, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं कि वो त्याग पत्र दे देंगे तो कल से कोर्ट ही बंद हो जाएगा, भाई कोर्ट तो चलना ही चलना है, कोर्ट तो चलेगा ही चलेगा ना, उसकी न्यायिक प्रक्रिया भी चलेंगी, वैसे सब कुछ होता रहेगा। तो क्या होता है, उस कुछ समय के लिए राष्ट्रपति साहब, माननीय राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, उन्हीं जो अन्य अदर जज है उनमें से प्राय वरिष्ठ जज को क्या करते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो होता क्या है, ये राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं विवेकाधीन शक्ति में से आता है। जब मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया था, याद करो, तो मैंने बताया था उनके पास न्यायिक शक्तियां होती विवेकाधीन में, ठीक है, तो उनमें से इसका एक एग्जाम्पल ले लो। तो इस तरीके से राष्ट्रपति अपनी न्याय विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते, समझ में है। हो सकता है उनका त्याग पत्र दे दिया, देह अवसान हो गया, कहीं बीमारी आ गई, कुछ भी हो सकता है, मतलब उनकी अनुपस्थिति में, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ में है। उसके बाद अगली बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इतनी बात समझ में ना न्यायाधीश के बारे में, उनकी अनुपस्थिति में किसकी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। अच्छा, अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, देखो कहने का मतलब है, मैंने कहा अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब है कि क्या होता है कि मान लो कोई केस की सुनवाई होनी थी जिसमें लग रहा है कि जजों के बेंच को और बड़ी की जाए, परंतु उस समय मैंने पहले ही बताया कि हाई कोर्ट में जो होता है, जजों के अन्य जो जज होते हैं उनकी कोई संख्या नहीं होती, समय के अनुसार उनको नियुक्त किया जाता है। तो होता क्या है, जब ये अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, यानी केसों की संख्या बढ़ सकती है, किसी केस में ज्यादा जजों की नियुक्ति के लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, माननीय राष्ट्रपति साहब अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और अन्य जजों की नियुक्ति कर देते हैं, या अतिरिक्त जजों की, या तो फिर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। इतनी बात समझ में, ये हेडिंग भी समझ में आ गई, यानी सारी की सारी चीजें किसके अंदर, राष्ट्रपति के साहब के अंदर। उसके बाद करते हैं अगली हेडिंग है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं उनके अभी न्यायाधीश, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो मैं हूँ न्यायाधीश, हाई कोर्ट में था, मेरी उम्र हो गई, मैं रिटायर हो गया, मैं मतलब प्राय मैं रिटायर हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कोई ऐसा केस आया जो मेरे समय पर सुनवाई हो रही थी, उस केस का एक ऐतिहासिक फैसला हमने दिया था, कुछ उसी आधार पर वर्तमान समय में एक दूसरा केस आया, तो उस केस को सुनवाई जब की जा रही थी, तो वहां के न्यायाधीशों को लगा, या जो हाई कोर्ट के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं उनको लगा कि क्या कुछ राय मुझसे ली जा सकती है,
उस दौरान जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति मांगेगा, और अगर राष्ट्रपति साहब अनुमति देते हैं तो वो मुझे कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, कार्यकारी न्यायाधीश में शामिल कर सकता है, यानी कि न्यायाधीश में अपनी बेंच में शामिल कर सकता है, और जब उस कुछ समय के लिए मैं शामिल होऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, वो सेम वही फैकल्टी मिलेगी जो कि जज को मिलती है। हाँ, लेकिन उसकी एक अधिकतम सीमा रखी है, 2 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, ठीक है, यानी 2 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। तो इसकी अधिकतम सीमा में आप लोग चाहे लिख लें कि 2 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ज्यादा नहीं रखा जा सकता, इतनी बात समझ में रखा जा सकता। आई होप इतनी चीजें तुम लोग को समझ में आई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद करते हैं न्यायिक क्षेत्र में शक्तियां। देखो तो मैं सीधी सी बात कहूं, जो हाई कोर्ट है उसके कुछ अपने न्यायिक क्षेत्र होते हैं, कितने ही आधार पे वो अपना न्याय दे पाएगी, और उसकी कुछ अपनी सेपरेट पावर है या पृथक उनके पास अपनी शक्तियां हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। उनके पास अपनी शक्तियां हैं, पहले क्या, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी पास इनके पास जैसे किसी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या है कि मतलब कुछ हनन हो रहा है, तो मैं फंडामेंटल एवोलिस हो रहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं हाईकोर्ट चला जाता हूँ, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। उसके बाद रिट इनके पास जारी करने के लिए वही वाले बंदी प्रतिचीकरण प्रतिषेध वही सब कुछ जारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपीली क्षेत्राधिकार होता है इनके पास, पर्वेक्षी क्षेत्राधिकार होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, इसको जो मैंने कहा है एससी मतलब अधीनस्थ न्यायालय यानी सवाड़ी नोट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय। और मैंने जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ तो लगभग कुछ ही समय बाद मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सॉरी हाई कोर्ट जो होता है, भाई साहब ये देखो, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो हाई कोर्ट होता है उसके पास ये शक्ति होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय उस पर नियंत्रण करता है। तो वही चीज मैंने बताया कि इसकी शक्ति है कि वो अपने राज्य के जितने भी जिले हैं जहां पे सबॉर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय है उनपे समस्त न्यायालयों पर क्या रखेगा, निगरानी रखेगा, यानी जो हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट आते, चाहे क्षेत्रीय कोर्ट हो चाहे अधीनस्थ कोर्ट हो, मतलब सब में वो निगरानी रखेगा, नियंत्रण है। उसके बाद अभिलेख न्यायालय, जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है अभिलेख न्यायालय की, वैसे ही 215 के अनुच्छेद 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 215 के तहत क्या है, किसको शक्ति है, अनुच्छेद 215 के तहत भैया अभिलेख न्यायालय की शक्ति है हाई कोर्ट को, ठीक है। अब अभिलेख न्यायालय क्या, मैंने कहा कि जैसे किसी नया कोई न्यायालय है, जैसे मैं हाई कोर्ट हूं, ठीक है, हाई कोर्ट में जजमेंट दिया गया कि इस तरह के कृत्य के लिए ये सजा है, तो उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा, और उसकी कॉपी प्रति, जो कॉपी होगी उसकी प्रतिलिपि होगी प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय को दे दी जाएगी, और वैसा ही कोर्ट केस, वैसा ही केस किसी भी न्यायालय में आ जाए जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो क्या करेंगे, उठाएंगे, कहेंगे इस आधार पर, इस तरह के कृत्य पर इस प्रकार की सजा दी जाती है, ये माननीय हमारे हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय ने कहा था, इस आधार पर मैं इस केस को इस तरह से सजा देता हूं, तो ये अभिलेख न्यायालय के समझ में आया। वैसे भी इसको मैंने डिटेल में समझाया था सुप्रीम कोर्ट में, जिनको देखना देख लेना, नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है, तुम्हारे लिए खुला है, पूछो, व्यवस्था बाकायदा है, पूरी तरीके तुम्हारी समस्या का समाधान दिया जाएगा। उसके बाद कहा न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायिक समीक्षा, तो अनुच्छेद 13 और 226 के तहत इसके पास शक्ति, अनुच्छेद 13 के तहत मैंने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो वो कानून स्वतः क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यह अनुच्छेद 13 में शक्ति देगी, और एक आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, एक आम नागरिक के लिए इससे बड़ी शक्ति कुछ मिल ही नहीं सकती, उसको फंडामेंटल राइट होता है, उसका यह कर्तव्य है, यह उसका यह अधिकार है कि वो अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा है, अगर मेरे जीवन के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो उसको स्वतः जीरो होना पड़ेगा, यह न्यायिक प्रक्रिया में है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं 236 में भी, यानी हाईकोर्ट में आप अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है 226 का प्रयोग करें, सीधा हाईकोर्ट चले जाए, इतनी बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो देखो सीधी सी बात है, जब राज्य विधानमंडल द्वारा या केंद्रीय विधानमंडल द्वारा कोई ऐसी कानून बनाया जा रहा है जिससे आम नागरिक, एक आम जनमानस का विरोध हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो उस समय वो कानून स्वतः जीरो हो जाएगा, तो उस पर हाईकोर्ट भी
क्या एक्शन ले सकता है। इसलिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमने कहा कि जो हमारी विधानमंडल होती है वो क्या होती है, हाईकोर्ट से नीचे होती है, उसके पास पावर नहीं है। और ये था आपका हाईकोर्ट। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं जितना मैंने समझाया एकदम अच्छे से समझ में आया। फिर से बता दो तू कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश समझ में आया, रिवीजन कर लेना भाई, इससे कुछ नहीं गलत होने वाला है। और मैं फिर से कहता हूं जिन बच्चों को कोई भी समस्या हो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बस कुछ दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, ये अभिलेख न्यायालय समझ में आ गई, यानी उनकी प्रतिलिपि को प्रत्येक स्थानीय न्यायालय में दे दिया जाता है, और जो जजमेंट था उस प्रकार पे किसी भी समस्या अगर आ रही आगामी कुछ समय में या कई आगामी कभी आती है तो उसी आधार पर उसको क्या दे दी जाएगा, सजा दे दी जाती है। यानी भविष्य में वो ऐसी अगर कोई प्रक्रिया हो रही तो उसी आधार पर उसको सजा या उसको जजमेंट सुना दिया जाएगा। उसके बाद न्यायिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा मैंने कहा जब हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो या 226 का प्रयोग करेंगे, हाईकोर्ट चले जाएंगे, 13 के तहत बताएगा फंडामेंटल राइट हो गए तो वो कानून स्वतः जीरो हो जाएगा। ये है कानून की बातें। अगर अभी भी किसी को कोई प्रकार की समस्या हो, कमेंट सेक्शन खुला है, पूछो, बेझिझक पूछो, जितना पूछना उतना पूछो, जो क्वेश्चन पूछना वो पूछो, जितना क्रास पूछना उतना पूछो, डाउट क्लियर करो, एग्जाम क्लियर करो, सिलेक्शन लो। और एक बार जी भर के बोलना कि सिलेक्शन तो हो गए। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।